पिछले क्लास में पढ़ रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने काफ़ी पॉइंट्स पे डिस्कस किए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, ठीक है। अब हम लोग फर्दर जानेंगे कि और वो कहाँ कहाँ रहते हैं और कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। हम उनको कैसे यूज़ करते हैं, और आपको पता ही है हमारे लिए जितना यूज़फुल है उतना ही हमारे लिए अनयूज़फुल भी है, क्योंकि वो डिजीज़ क्रिएट भी करते हैं और हमारा हेल्प भी करते हैं। तो हम लोग ये जानेंगे कि कौन सा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हेल्प करता है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें हमारे लिए अनयूज़फुल, ठीक है, हमारे लिए डिजीज़ क्रिएट करता है या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। मैं बताने जा रहा हूं आपको कि कहां कहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक था वेयर डू Where do microorganisms live? ठीक है, तो लिखो यहां पे microorganisms are also present in microorganisms are also presenting dead and decaying organic matter. Dead and decaying organic matter. ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब बेटा जो हमारा, जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो लाइव है ना, जब वो डेड हो जाते हैं, ठीक है, जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया बाहर से भी आ सकते हैं और उनके बॉडी के अंदर भी वो बैक्टीरिया रहते हैं, है ना। तो जब वो डेड हो जाते हैं तो उनको क्या करने लगते हैं, डिकम्पोज करने लगते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जैसे फ्रूट्स वगैरह हो जाता है, फ्रूट्स आप कुछ देर बाद देखते हो कि वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है ना, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, बहुत सारे फंगस जर्म्स आ जाते हैं, जिससे वो हमारे लिए यूजफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये वहाँ भी ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, दिस ऑर्गेनिज्म हेल्प इन रिलीज ऑफ दिस ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन रिलीज ऑफ हेल्प in release of
minerals to the soil. Minerals to the soil. After the death of living organism, after the death of living organisms by decomposing them. इसका मतलब समझो बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले जो डेड एंड डेकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है वहां पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। कुछ देर बाद आप देखते हो जैसे पील ऑफ फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स का एक टुकड़ा है या फिर पूरे ही फ्रूट्स है, तो उसके ऊपर जब आप उसको बाहर फेंक देते हो तो उसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाते हैं, और बैक्टीरिया आकर के उसी बैक्टीरिया भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। और हमने ये बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, ये सबको पता है, आप लोगों को मैंने बताया पहले ही, ठीक है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर पे बैक्टीरिया अटैक करते हैं, और अटैक करने के बाद उनको धीरे 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 डिकम्पोज करने लगते हैं, और डिकम्पोजिशन से अब वो जब वो डिकम्पोजिशन होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है कि जो उससे वेस्ट निकलता है वो कहाँ मिल जाता है, सॉइल के अंदर, ठीक है। तो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाने से, ठीक है, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होता है, मिनरल्स वो इंक्रीज हो जाता है, वहाँ पे जितने अमाउंट में मिनरल्स होगा पहले उससे अब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ की जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है, तो सॉइल वहाँ का जो सॉइल होता है वो फर्टाइल हो जाता है विदाउट एडिंग एनी मैन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैन लिव अलोंग व्हाइल अदर लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी वे लिव इन कॉलोनी, ठीक है। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा भी क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, यूनिसेलुलर, ठीक है। अब जो अमीबा होता है वो सिंगल भी कहीं रह सकता है, ठीक है, मतलब अगर कहीं पे है वो तो सिंगल भी वो रह सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये और सब जो बैक्टीरिया होता है अमीबा के अलावा, वो क्या रहना चाहते हैं, कॉलोनी में रहना चाहते हैं, मतलब वो ग्रुप में रहना चाहते हैं, वो सिंगल नहीं रहना चाहते, वो सिंगल रहते भी नहीं है। तो जहां पे भी अटैक करते हैं वो सारे के सारे एक साथ अटैक करते हैं, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप में रहते हैं, ठीक है। तो ग्रुप में एक दो मेंबर तो होंगे ना, इनके बहुत सारे मेंबर होंगे, तो इसीलिए जो फूड होता है हमारा वो बहुत ही जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है, क्योंकि फूड पर अटैक करेंगे तो ये सारे मिलकर अटैक करेंगे ना, तो इसीलिए हमारा फूड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है।
ठीक है, अब इसके बारे में लिखो और सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एज parasites either outside or inside the body of other living organisms, ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइव एज पैरासाइट, पैरासाइट और होस्ट, आपको ये मैंने बता चुके, बताया था आपको ना, पैरासाइट कौन होता है, जैसे जो ऑर्गेनिजम्स जिस पे अटैक करता है, जैसे सपोज करो कि आपको ये चीज पता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसके अंदर, स्टमक में या उसके ब्लड में, जैसे ह्यूमन के ब्लड में भी बैक्टीरिया होता है और एनिमल्स के अंदर, ठीक है, स्टमक वगैरह में बैक्टीरिया होता है, ठीक है, तो वो बैक्टीरिया क्या है उस एनिमल के लिए, वो पैरासाइट है, ठीक है, तो और होस्ट उनके लिए कौन है, होस्ट वो एनिमल हो गए, और एनिमल के लिए वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो उनके अंदर है, स्टमक के अंदर है, वो क्या हो गए, पैरासाइट हो गए, तो ठीक है, तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैरासाइट के रूप में भी होते हैं, ठीक है, पैरासाइट के फॉर्म में भी होते हैं, वो आउटसाइड भी बॉडी रह सकते हैं और इनसाइड भी बॉडी रह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो एनिमल्स होते हैं उसके आउटर पार्ट में, आउटर जो उनकी स्किन होता है, आउटर स्किन होता है, उस पे बहुत सारे इंसेक्ट्स रहते हैं, है ना, तो उनसे वो क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं और वो सकिंग प्रोसेस है उनका, फूड प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेस होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि उनसे खाना भी लेते हैं, मतलब फूड भी लेते हैं और उनके ऊपर रहते भी हैं, तो उनका शेल्टर भी हो गया, ठीक है। सिमिलरली आप डॉग के पास भी देख रहे होंगे बहुत सारे इंसेक्ट्स, डॉग के अंदर भी, डॉग के आउटर स्किन पे भी आपने देखा होगा, ठीक है, तो इस तरह से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी के आउटसाइड हो सकते हैं और कुछ इनसाइड भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे आपका, जैसे आपको हमने बताया कि जब जो रूमिनेंट्स होते हैं, रूमिनेंट्स, तो उसके अंदर जो सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है बेटा, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और जो भी फूड रूमिनेंट्स खाते हैं, रूमिनेंट्स समझते हो ना, जो भी फूड खाते हैं रूमिनेंट्स, ठीक है, तो उनको उस फूड को वो डिकम्पोज करने में एक तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है, तो इस तरह से वो जो बैक्टीरिया उनके अंदर, इन बॉडी के इनसाइड है, उनको बेटा बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, ये अटैक कैसे करते हैं, लिखो द नोज थ्रॉट माउथ एंड इंटेस्टाइन, of many animals and humans are inhibited by a number of
माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स। ठीक है, देखो नोज में, थ्रोट में, माउथ में, इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो एनिमल का नोज होता है, थ्रोट होता है, माउथ होता है, इंटेस्टाइन होता है, ये एनिमल के लिए भी और ह्यूमन बीइंग के लिए भी, ठीक है, तो वो इनके अंदर होते हैं और नोज के अंदर होते हैं या फिर थ्रोट के अंदर होते हैं या फिर माउथ के अंदर होते हैं या फिर इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं, तो इनमें से कुछ तो हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं और कुछ हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स इन इन जगहों पे रहते हैं और ऐसे अपना फूड और शेल्टर रखते हैं। ठीक है, आप लोग नोट करो इसको, फिर मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ। चलो तो आप लोग लिख लिए होंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हम लोग देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो ठीक है बेटा, मैं ट्राई करता हूं, है ना। चलो सब लोग आ गए हो ना। देखो हमने, आप सब लिख लिए हो, अब मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें ये बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स है, आपको पता है कि पिछले क्लास में हम ये पढ़े थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहाँ कहाँ रहते हैं, तो उसका पार्ट बच गया था। ठीक है, हम आज कंप्लीट किए उसको। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स डेड एंड डिकेइंग मैटर पर रहते हैं बेटा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है कि जैसे पील ऑफ फ्रूट्स, ठीक है, और या फिर डेड और डिकेइंग जो मर जाते हैं एनिमल, है ना, डेड हो जाते हैं, तो उनके कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाहर से अटैक करते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनके बॉडी में ही रहते हैं। ठीक है, तो जब वो डेड हो जाते हैं तो उनके आने के बाद, उनके डेड होने के बाद, ठीक है, उनके अंदर से आकर के उनको डिकम्पोज करने लगते हैं और डिकम्पोज करते 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 जो उनसे वेस्ट निकलता है वो सॉइल के अंदर मिक्स हो जाता है। तो वो ऐसा मिनरल होता है, जो सॉइल के अंदर मिक्स होता है वह एज अ मिनरल होता है। और आपको पता है कि हमारे सॉइल को, मिट्टी को मिनरल्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो वो आवश्यकता पूरी हो जाती है। ठीक है,
ठीक है, क्योंकि सॉइल के अंदर वो मिनरल मिक्स हो चुके हैं। अब जब वो सॉइल के अंदर मिनरल मिक्स हो गई तो उसकी उस सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब अब उसके अंदर कोई भी मैनुअल और फर्टिलाइजर मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी जो वहाँ की सॉइल है वो फर्टाइल हो चुकी है। ठीक है, अब आप उसमें कोई भी प्लांट लगाओगे या फिर क्रॉप लगाओगे तो वहाँ जिस पोजीशन पे वो डेड एनिमल्स पड़े थे वहाँ का जो प्लांट होगा या फिर क्रॉप होगा काफ़ी हेल्दी होगा। ठीक है, तो इस तरह से वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए यूजफुल थे। ठीक है, क्योंकि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा बोलते हैं हम लोग फ्रेंड ऑफ फार्मर। ठीक है, फार्मर के ये फ्रेंड होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिनरल्स देते हैं, उनकी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट लेते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा है ना, और अदर जो बैक्टीरिया है, फंगी है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में एक अमीबा आता है जो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम होता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलके बना है। वो क्या होता है कि सिंगल भी रह सकता है, मतलब उसको किसी अपने फ्रेंड की आवश्यकता नहीं है, वो अलोन मतलब मस्त रहेगा, उसको कोई टेंशन नहीं है, वो आराम से सर्वाइव कर लेगा। बट जो अदर बैक्टीरिया है, फंगी है, वो हमेशा कॉलोनीज में रहना पसंद करते हैं, मतलब वो हमेशा ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, और वो हमेशा ग्रुप में ही रहते हैं। ठीक है, तो जब वो अटैक करते हैं किसी पे, ठीक है, तो वो ग्रुप में अटैक करते हैं, इसलिए हमारा फूड जो है वो जल्दी स्पॉइल हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, अब हमने ये बताया था आपको सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक पैरासाइट आइदर सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव एज अ पैरासाइट आइदर आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आप देखो बेटा, पैरासाइट और होस्ट आप लोगों ने सेवेंथ क्लास में भी पढ़ा होगा आई थिंक। ठीक है, तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला देता हूँ कि पैरासाइट, जैसे बेटा कुछ आप ये ट्री हो गया आपके, है ना, ये ट्री आपने देखा होगा और ये भी देखा होगा इस ट्री के ऊपर एक और प्लांट ऊपर से अलग से इसके पूरे तरह से घिरे हुए हैं। ठीक है, आपने देखा है ना, और इसका जो रूट्स होते हैं वो इसी में लगे होते हैं और वो पूरा प्लांट को, ट्री को कवर किए होते हैं। तो जो प्लांट बाहर से आए हैं, तो बाहर से कौन आया है, ये ऊपर वाला प्लांट है ना, अब इससे क्या ले रहा है, इससे ले रहा है अपना फूड, अपना फूड प्लस सेल्टर। ठीक है, तो ये जब फूड और प्लस सेल्टर किससे ले रहा है, ये मेन, ये जो हमारा मेन प्लांट है, ये मेन ट्री है, वहां से ले रहा है। ठीक है, तो इसलिए इस ट्री को बोलते बेटा पैरासाइट। ये जो ऊपर से प्लांट लगा है ना, उसको बोलते बेटा पैरासाइट, और ये बेटा ये होता है, ये होता है होस्ट। ठीक है, तो पैरासाइट और होस्ट, आया समझ में। ठीक है, तो उसी तरह से जैसे प्लांट से ये, तो उसी तरह से जैसे और भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपको पता होगा जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन के ब्लड के अंदर है ना एक बैक्टीरिया होता है ना, हम लोग आगे पढ़ेंगे अभी। तो एक तरह से वो हमारे से क्या लेता है, हमारे अंदर रहता है, मतलब उसका सेल्टर भी हमारे अंदर है और हमारे अंदर से फूड भी लेता है।
तो बेटा लाइट थोड़ा ऑफ हो गया था, है ना? अभी आया है तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? आप लोग ध्यान से सुनो। तो मैं ये पॉइंट डिस्कस कर रहा था, ठीक है? चलो मैं एक बार फिर से ये पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि इस पॉइंट को जब मैं डिस्कस कर रहा था तो लाइट जा चुकी थी, ठीक है? तो अब मैं ध्यान बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। ठीक है, आवाज आ रही है बेटा? सबको जा रही है? ओके क्रिश, आवाज आ रही है? ध्रुव, ओके। तो हमने ये बताया आपको हमने ये बता दिया है कि जो पैरासाइट क्या होते हैं और होस्ट क्या होते हैं, ठीक है? तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा पैरासाइट होते हैं, ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं और वो एनिमल के अंदर भी होते हैं, ठीक है? जैसे देखो, जो जनरली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या तो नोज में होते हैं, थ्रोट में होते हैं, माउथ में होते हैं, या तो इंटेस्टाइन में होते हैं। मतलब इन सारे सेंसिटिव जगहों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है? और ये हमारे जो बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो कुछ हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होते हैं, तो कोई कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अनयूजफुल होते हैं, ठीक है? तो अब हम लोग देखेंगे कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज क्रिएट करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक सबको आवाज आ रही है बेटा, है ना? तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग अब जानेंगे, ठीक है? हमने सारे पॉइंट जो आपके छूट गए थे, जो बच्चे अभी अभी आए हैं बेटा, वो आप एक बार बता दो ना कि कुछ छूटा है, तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है हमारे प्रोटोजोआन्स हो गए, प्रोटोजोआन्स। उसके बाद प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम, ठीक है? इससे क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है? अब ये क्या होता है बेटा? जो प्लास्मोडियम होते हैं वो होते हैं लिप्स एज अ पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ
द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है, इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग, ठीक है। देखो ये जो प्लास्मोडियम होते हैं वो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, और प्रोटोजोअन्स होते हैं वो भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग रहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि कुछ साइंटिस्ट थे, काफ़ी डिस्कवर किए है ना, और बहुत चीज़ बताए, ठीक है। तो मैं एक बार डिस्कवरी बताने जा रहा हूँ आपको कि कौन कौन से साइंटिस्ट किस चीज़ों का डिस्कवरी किए थे, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना इसको, ठीक है। सबसे पहला आता है नाम रॉबर्ट हुक का, है ना, रॉबर्ट हुक, ठीक है। आप लोगों ने नहीं लिखा हुआ तो मैं नीचे लिखता हूँ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, बेटा ये अलग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिस्कवरी, फर्स्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ठीक है, 1665 ही ऑब्जर्व्ड कॉर्क सेल बैक्टीरिया एंड स्पर्मेटोजोआ स्पर्म मेटोजोआ यूजिंग हिज ओन क्रूड माइक्रोस्कोप, ठीक है। जो रॉबर्ट हुक थे फर्स्ट टाइम उन्होंने कॉर्क सेल का आविष्कार किया था, आविष्कार इन द सेंस की फर्स्ट टाइम खोजा था उस चीज को, है ना। उन्होंने देखा था कि कॉर्क सेल भी हमारे लाइफ में कुछ, मतलब ये कहाँ होते हैं, ये कॉर्क सेल जो होते हैं जनरली, जो ये ट्री होता है ना, ट्री देखो, ये ट्री के अंदर बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस, ये इसके स्टेम, तो इसका जो आउटर लेयर होता है बेटा, आउटर लेयर, इसके अंदर क्या होता है, कॉर्क सेल होते हैं, ठीक है। तो इनसे वो आइडिया लगा कि जैसे कॉर्क सेल है तो काफी ये, मतलब ये माइक्रोस्कोप से इन्होंने देखा, जिसका नाम है क्रूड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो क्यों ये माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी, क्योंकि ये काफी स्मॉल था, जो उनको नेकेड आई से नहीं दिख सकता था। तो इसके बाद इस माइक्रोस्कोप की सहायता से, इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उन्होंने बैक्टीरिया की डिस्कवरी की, बैक्टीरिया को देखा उन्होंने, ठीक है। उसके बाद स्पर्मेटोजोआ को देखा, ये बेटा स्पर्म जो ये सेक्स सेल होते हैं जो ह्यूमन बॉडी मेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, थीके? और ये किसका इस्तेमाल करके इन्होंने देखा इन सब चीज़ों को, क्रूड माइक्रोस्कोप का, जो इनकी खुद की डिस्कवरी थी, है ना। इन्होंने क्रूड माइक्रोस्कोप बनाया था उन चीज़ों से, कॉर्क सेल, बैक्टीरिया या स्पर्मेटोजोआ की डिस्कवरी की, ठीक है, जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। कब किए, 1665 में। तो आपके एग्जाम में भी बेटा आ सकता है ये, ठीक है, तो लर्न करना आपको, है ना। सेकेंड नंबर है सेकेंड नंबर है
एंटर वन ल्यूबेक हुक एंटन वैन ल्यूबेक हुक ये इन्होंने 1676 ठीक है फर्स्ट टू डिस्क्राइब एंड स्केच द माइक्रोस्कोप फर्स्ट ही वाज first to describe the sketch the microbes ka matlab hota hai beta micro ऑर्गेनिजम्स चाहिए दिख रहा है ना आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाँ दिख रहा है ठीक है सभी लोग को समझ में आ रहा है जिसको नहीं समझ में आएगा फिर से पूछ लेना ठीक है इन्होंने पहले ऐसे साइंटिस्ट थे ठीक है एंटन वन ल्यूवेनहुक जो 1676 में इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था ऐसा डिस्क्राइब किया था स्केच ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का हम इससे पहले हमको ये भी नहीं पता था देखो इससे पहले 1676 के पहले हमें ये नहीं पता था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं ठीक है तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये एंटन वन ल्यूवेनहुक ने बताया कि स्केच ड्रॉ किया कि इस टाइप के माइक्रोब्स होते हैं इस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ठीक है क्योंकि इतने छोटे थे तो इनको देखने के लिए सबसे पहले माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोप के डिस्कवरी से पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में जैसे ही माइक्रोस्कोप आया उसके बाद सारी चीजें सामने आने लगी ठीक है पहले कॉर्क से लाया फिर उसके बाद ये बैक्टीरिया को पता चला कि बैक्टीरिया भी होते हैं स्पर्मेटोज हुआ इसके बारे में पता चला इसका शेप पता चला इसका स्ट्रक्चर पता चला उसी तरह से बहुत सारे माइक्रोब्स थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिसको पता लगाने में ये जो साइंटिस्ट है उनका बहुत बड़ा योगदान है ठीक है अब मैं ऊपर से दो तीन लाइन मिटाता हूँ ठीक है क्रिश कोई भी बेटा प्रॉब्लम होगा बताना ध्रुव या जिसको भी प्रॉब्लम होगा बिल्कुल बताना ठीक है कमेंट करना ताकि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ और आपको समझा सकूँ ठीक है उसके बाद थर्ड नंबर जो डिस्कवरी हुई थी वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है ठीक है और डिस्कवरी तो आपके एग्जाम में आते ही हैं किसी न किसी चीज़ के बारे में लिखने के लिए तो यही इसी के अंदर से आएंगे ठीक है बेटा थर्ड जो थर्ड है लुईस पाश्चर ठीक है टू ईयर की जर्नी रही डिस्कवर दैट फर्मेंटेशन इज कॉज्ड बाय ईस्ट या फंगी
ठीक है, he disproved the theory of spontaneous generation. ठीक है, इसका मतलब समझो आप, जो लुईस पाश्चर थे, इन्होंने टू इयर्स की जर्नी में, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन प्रोसेस तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जिस फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या बनता है, वाइन बनता है, बियर बनता है, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज जाना, ठीक है, कब, 1857 टू 1859 में उन्होंने ये चीज जाना कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, वो ईस्ट से होता है, किससे होता है, ईस्ट या फंगी से होता है, ठीक है, तो इससे पहले हमें ये नहीं पता था, हम लोग फर्मेंटेशन प्रोसेस तो उस समय भी करते थे, बट हमें ये चीज नहीं पता था कि एक्चुअली ये होता क्यों है, तो लुईस पाश्चर ने फर्स्ट टाइम बताया कि फर्मेंटेशन प्रोसेस जो होता है उसमें ईस्ट का योगदान होता है, मतलब अगर ईस्ट उसके अंदर अगर नहीं रहेगा तो फर्मेंटेशन प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है, तो उससे हमें को क्या बेनिफिट मिला कि हम लोग अलग से ईस्ट को यूज करने लगे फर्मेंटेशन प्रोसेस करने में और ज्यादा से ज्यादा इससे हम लोग बेनिफिट लेने लगे, ठीक है, ही डिस्प्रूव द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। अब उन्होंने ये भी चीज बताया कि किस रेट से ईस्ट का इंक्रीजमेंट होता है, मतलब ईस्ट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे नंबर बहुत सारे नंबर्स में इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज बताया कि किस रेशियो से वो उनका जनरेशन जो है वो इंक्रीज होता है ईस्ट या फंगी का, ठीक है, किसने बताया था, लुईस पाश्चर ने, ठीक है, फोर्थ नंबर रॉबर्ट कोच, ठीक है, रॉबर्ट कोच की जो जर्नी थी 1882 में उन्होंने बताया था, ठीक है, give the germ theory of disease, tuberculosis, जिसको बहुत बेटा हम लोग बोलते हैं टीबी, अरे टीबी के मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, आ रहा समझ में, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में उन्होंने बताया, ठीक है, इज कॉज्ड बाय माइक्रोबैक्टीरियम इज caused by micro bacterium micro नहीं बेटा caused by माइक्रोबैक्टीरियम
ट्यूबरक्लोसिस ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम एंड एंथ्रेक्स एंड एंथ्रेक्स बाय बैसिलियस एंथ्रासिस बाय बैसिलियस एंथ्रासिस ठीक है. गिव द जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ट्यूबरक्लोसिस. उन्होंने ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बताया कि वो क्यों होते हैं. वो माइकोबैक्टीरियम की वजह से होते हैं. ठीक है, माइकोबैक्टीरियम की वजह से होते हैं. हाँ, और एंथ्रेक्स जो होता है, एंथ्रेक्स भी एक डिजीज होता है ना, जो बैसिलियस एंथ्रासिस की वजह से होता है. ठीक है, तो ये उन्होंने बताया था कौन, रॉबर्ट कोच. ठीक है, लिखो जल्दी से, फिर मैं लास्ट एक्सप्लेन करता हूं आपको डिस्कवरी वाला में. सेकंड नंबर रब करता हूं. फिफ्थ एलेक्जेंडर फ्लेमिंग. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ठीक है, 1929 डेवलप एंटीबायोटिक्स. Develop antibiotics, penicillin, penicillin from पेनिसिलम नोटेशन. पेनिसिलम नोटेशन फंगस है ना, पेनिसिलम नोटेशन मतलब फंगस. फंगस उन्होंने क्या बताया, एंटीबायोटिक्स बनाया है ना. और ये एंटीबायोटिक्स क्या होता है बेटा, एंटीबायोटिक्स के अंदर ऐसे इनएक्टिव माइक्रोब्स होते हैं, इनएक्टिव माइक्रोब्स होते हैं जो कि कोई भी किसी भी टाइप के अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर अटैक किए हुए हैं तो उनको ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं. जब वो इनके अंदर जाते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं और एक्टिव होकर के इनको मार डालते हैं. एज आर्मी हमारे बॉडी के अंदर होते हैं. ठीक है, अगर जैसे सपोज करो आप आर्मी जो होते हैं इंडिया, अगर इंडियन बॉर्डर पे है तो वो क्या है, सुरक्षा कर रहे हैं बॉर्डर की. अगर कोई इधर अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे ना. उसी तरह से जब दूसरा बैक्टीरिया अटैक करता है हमारे बॉडी के अंदर तभी ये एक्टिव फॉर्म में आते हैं है ना. तो इसीलिए हम लोग बॉडी के अंदर, जैसे सपोज करो अभी कोरोना है तो कोरोना
कि अभी वैक्सीन बहुत तेजी से, मतलब सभी सब देश लगा हुआ है कि इसका वैक्सीन जल्दी से बनाया जाए, ठीक है, क्योंकि इसके एंटीबॉडीज नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे एंटीबॉडीज मिल जाएंगे उनको वैक्सीन बना करके और बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर देंगे, जिससे ये जो वायरसेस है इसको इसका सफाया हो सके, ठीक है। तो आज थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम रही है ना, मैं आपको इतना ही तक आज रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में बेटा इसको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद एक चैप्टर और मतलब एक क्लास और लगेगा, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, है ना। इसमें वैक्सीन से वगैरह हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कैसे कर्ड का फॉर्मेशन होता है, कर्ड कैसे बनाया जाता है, तो ये सब चीज़ें आपको सीखने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में टाइम से ही, मतलब जो भी टाइम आपको दिया जाएगा उस टाइम पे एग्जैक्ट आ जाइएगा, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय एवरीवन, बाय।